हेलो गाइस, त्यौहार जो है पास में आ गया और आपने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मीठे में क्या बनाऊं, तो बनाएं घर पर 10 से 15 मिनट में बिना चाशनी बिना मावा के बन जाने वाली ये लड्डू। और इसे जो है बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है, चलिए हम आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने लिया है हाफ कटोरी मिल्क पाउडर, और ये लिया है मैंने फ्रेश मलाई, आधी कटोरी से ज़्यादा है, और लिया है शक्कर, और ये है डेसिकेटेड नारियल, और लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है इसे गार्निशिंग करने के लिए, और लिया है मिल्क, एक गिलास मिल्क लिया है। और डालेंगे, अब गैस जो है कढ़ाई पर रख दिया है, अब कढ़ाई की में डालेंगे घी। मैंने 2 चम्मच जो है घी लिया है। इसे जो है नारियल को 1 मिनट तक जो है रोस्ट करेंगे, एकदम मीडियम फ्लेम पर जो है इसे भूनना है 1 मिनट के लिए। इसमें जो है मैंने कम मतलब लिया है घी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है इसमें ऑयल छोड़ता है ये, इसलिए इसमें ज़्यादा घी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे जो है 1 मिनट तक जो है मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध, अगर दूध आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और इसे जो है चला लेंगे करीब 1 मिनट जो है, इसे जो है भून लेंगे, और 1 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर जो है मैं इसे भून रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक जो है आप इसे भून लें, और इसी तरह जो है चम्मच चलाते रहें। और 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे मैंने मलाई ऐड किया है, इससे जो है इसमें लड्डू में जो है क्रीमी सा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर, मैंने हाफ कटोरी लिया है, और इसे भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर एक बार मलाई डाल के देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्रीमी सा। तो इस तरह से जो है इसे मिक्स कर लेंगे, इसे भी जो है 1 से 2 मिनट तक जो है इसे भी इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच पर इसे 1 मिनट, और उसके बाद जो देखिए इससे जो है और भी अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में तो इसे भी जो है हम भून लेंगे जब तक जो है शक्कर जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, तब तक जो है इसे भूनते रहना है। वही 1 से 2 मिनट लगेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है, और इसे बनाने बहुत ही आसान है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप जल्दी से बना लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और वो देखिए शक्कर जो है अच्छी तरह से जो है इसमें मेल्ट हो चुका है। अब डो जो है एकदम पूरी तरह से तैयार है लड्डू बनाने के लिए। अब जो गैस जो है हम ऑफ कर देंगे, और इसे जो है गैस से उतार कर रख देंगे, तब तक थोड़ी देर जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि जो है हमें लड्डू बनाते बन जाए। तो ये अब जो है ठंडा जो हो चुका है, अब जो है इसे गोल शेप देना है, इस तरह से एक हाथ में आप बना सकते हैं, इधर गोल शेप देना, और इसे जो है डेसिकेटेड नारियल है इसमें जो है थोड़ा सा इसे कोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है, इसी तरह से जो है आपको लड्डू जो है बना लेना है। और एक प्लेट पर जो है मैंने इस तरह से पूरा से बना के रख लिया है, और इसे जो है काजू और पिस्ता से जो है मैंने गार्निशिंग कर दिया है, और इसे 1 घंटे के लिए जो है फ्रिज पर रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो अब इसे रख देते हैं। तो 1 घंटे बाद जो है मैंने इसे निकाल लिया है, और ये लड्डू जो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसे तोड़ कर देखेंगे कितना सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बना, और खाने में भी उतनी ही मज़े का है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं ये नारियल के लड्डू। तो देखिए बनकर एकदम तैयार हो गया है, और इसे जो है अपने भाइयों को और अपने घर में आने वाले मेहमानों को खिलाएं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।